और शिमला में सड़क हादसों को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। शिमला के रिज मैदान में दौड़ लगाई गई। सड़क हादसों को लेकर जनता को जागरूक किया गया। जागरूकता अभियान में शामिल हुए परिवहन मंत्री भी इस जागरूकता अभियान में शामिल हुए। ये बड़ी खबर आपको बता दें, शिमला के रिज मैदान में दौड़ लगाई गई। बड़ी और अहम खबर आपको हम बता दें, शिमला के रिज मैदान में दौड़ लगाई गई। इसके अलावा सड़क हादसों को लेकर जनता को जागरूक भी किया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको हम बता दें, सड़क हादसों को लेकर जनता को जागरूक किया गया, जागरूकता अभियान में शामिल हुए। यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि दौड़ यहाँ पर लगाई गई सड़क हादसों को रोकने के लिए, और जागरूकता अभियान इस दौड़ के जरिए चलाया गया। शिमला के रिज मैदान में ये दौड़ लगी। निश्चित रूप से, क्योंकि सर्वेक्षण के आधार पर ये पाया गया है कि जितनी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं उनमें से लगभग 95.4% जो ह्यूमन एरर के कारण से होती है। और इसीलिए ये लगता है कि यदि हम जो हमारा जागरूकता का काम है ये ठीक प्रकार से हो, और यदि हम जो हमारा गाड़ी चलाने वाला कोई भी है और अगर वो जागरूक रहे तो बहुत सी चीज़ों से हम बच सकते हैं, और निश्चित रूप से एक्सीडेंट भी कम होंगे और जो फैटलिटी रेट है वो भी हमारा कम होगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ उमेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश शर्मा, भले ही जागरूकता अभियान चलाया गया हो ताकि लोग हादसों के प्रति जागरूक हो पाए, लेकिन क्या इस जागरूकता अभियान का जमीनी स्तर पर फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा? देखिए, अभी तो जागरूकता अभियान शुरू किया है सरकार, अपनी तरफ से प्रयास कर रही है कि हादसे कैसे रोके जाए। सर्वे रिपोर्ट ये कहती है कि ज्यादातर हादसे, लगभग 95% हादसे वो मानवीय भूल के कारण होते हैं। जो गाड़ी चला रहा होता है उसकी भूल के कारण ही हादसे होते हैं। लगभग हिमाचल की बात की जाए तो हर साल एवरेज होता है कि 3000 हादसे होते हैं, 1200 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवाते हैं। सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है इसको एक हैबिट बनाए, जो रोड सेफ्टी है उसको हैबिट बनाए, दिनचर्या का हिस्सा बने, लोगों की आदत का हिस्सा बने। तो सरकार इस अभियान को लेके एक लंबा अभियान शुरू करना चाहती है, जहाँ चालकों को, खासकर जो गाड़ी चलाते हैं, और आम जनमानस है उनको भी बताया जाएगा कि सड़क सेफ्टी, सड़क सुरक्षा इतनी महत्वपूर्ण है, इसमें क्या क्या चीजें शामिल की जा सकती है कि जिनसे सड़क हादसे बचे सके, कौन से ऐसे दूर दिन दोस्त है जिसको लेके अगर ड्राइवर है, गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, उसकी एहतियात बरते तो हादसों में कमी हो सकती है। तो जब तक इसको दिनचर्या का हिस्सा नहीं बनाया जाता है तब तक हादसे नहीं रोकते हैं, सर्वे रिपोर्ट ये कहती है। सरकार ने अपने स्तर पर यह अभियान आज शुरू किया, सड़क सुरक्षा का जो अभियान है, जो सरकार के जो आला अधिकारी है उनका कहना है कि जिस तरह से आप मंत्री ने भी कहा कि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक ये हादसे नहीं रुक पाएंगे। मानवीय भूल ज्यादा हादसों का कारण होती है, तो इसी को लेकर अभियान शुरू किया गया जिसमें स्कूली बच्चों को भी शामिल किया जाएगा, आम जनमानस को भी बताया जाएगा, वाहन चालक है उनको बताया जाएगा, रोड सेफ्टी के लिए और जो उपाय किए जाने चाहिए वो भी की जाएंगे, सड़कें ठीक की जाएंगी, तमाम तरह की ऐसी बातें हैं जिसमें जागरूकता को सबसे बड़ा आधार बनाया जा रहा है। और उम्मीद यही जताई जा सकती है कि सरकार के ऐसे अभियान में जो चालक है, जो आम जनमानस है, वो भी जुड़ेंगे, और जो हादसे हैं जिसमें 2000 लोग मारे जाते हैं इसमें कमी है। शुक्रिया उमेश शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि बहुत से ऐसे जो हादसे होते हैं अक्सर चालकों की चूक की वजह से होते हैं, ऐसे में रोड सेफ्टी हमें खुद भी अपने जीवन में इस्तेमाल करनी चाहिए।